हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट ट्रीटमेंट में। मैं आपको आज बताऊंगा स्टार्ट प्रोबेबल स्टार्टिंग 11 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ पर देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया कौन सी 11 के साथ उतरने वाली है। एरन फिंच, क्रिस लीन, डार्सी शॉर्ट, मैक्स बेल, मार्कस स्टोइनिस, बेन मैक्रेडोमोट, एलेक्स कैरी, नेथन कोल्टरनाइन, एंड्रयू टाई, जेसन बहनडॉर, बिली स्टैनले। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पिछले जो T20 आई हुई है साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ है उस टाइप की टीम है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पिच बाउंसी होता है, स्पिन का मददगार नहीं होता है। तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया स्पिनर को ना उतारे, अगर उतारे भी तो जेसन बहरेनडॉर्फ की जगह पर उतार सकती है एडम जैम्पा को। और इंडिया ने एक दिन पहले ही अपना स्टार्टिंग 12 का स्क्वाड लॉन्च कर दिया था, उसमें से आप देख सकते हैं कौन कौन खेलेंगे। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, कृणाल पांड्या, युजी चहल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, खलील अहमद। युजी चहल खेल सकते हैं, पर अगर देखा जाए तो यहाँ से युजी चहल को ना लेके आप कुलदीप की तरफ जा सकते हैं। कुलदीप एक अच्छा ऑप्शन है, युजी चहल नहीं खेलेंगे कुलदीप। हाँ तो ये देख सकते हैं कि आप यहाँ से आप दिनेश कार्तिक को ले सकते हैं या फिर एलेक्स कैरी को ले सकते हैं। और ये देखने वाली बात होगी कि एलेक्स कैरी बहुत नीचे होते हैं, दिनेश कार्तिक भी नीचे होते हैं, पर इंडियन बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स होगा तो दिनेश कार्तिक आ सकते हैं इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो। और दूसरा देखने वाली बात है एलेक्स, ऑस्ट्रेलिया का टीम लग रहा है कि ज़्यादा रन नहीं बना पाएगी, इंडिया पेस बॉलिंग बहुत अच्छा है तो हो सकता है 110-120 ही बना सके, पर ऑस्ट्रेलिया का T20I साइड अच्छा है तो ज़्यादा रन भी बना सकते हैं, तो एलेक्स कैरी को आप ना लें। यहाँ हम बैट्समैन की तरफ चलेंगे, बैट्समैन में आप रोहित शर्मा को ले सकते हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, एरन फिंच, शिखर धवन, केएल राहुल, लोकेश राहुल, डार्सी शॉर्ट, ऋषभ पंत को आप ले सकते हैं। ऋषभ पंत को 26% आदमी लोगों द्वारा चुना गया। बेन मैक्रेडोमोट को आप नहीं ले सकते, वो नीचे उतरते हुए कुछ हालिया फॉर्म भी उनका अच्छा नहीं है। वहाँ ऑलराउंडर मैक्सवेल को ले सकते हैं, मार्कस स्टोइनिस को ले सकते हैं, कृणाल पांड्या को, एस्टन वाशिंगटन सुंदर 12 में नहीं है, एस्टन एगर भी नहीं खेलेंगे। यहाँ बैट्समैन में नजर डाली तो विराट कोहली को आप ले लीजिए क्योंकि वो हमेशा रन मारते हैं। रोहित शर्मा को ले सकते हैं क्योंकि वो भी आज इधर अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। शिखर धवन को भी ले सकते हैं, पर उनको ना लीजिए क्योंकि अभी कुछ मैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी उतने अच्छे प्रभावित नहीं कर सके। एरन फिंच को ना लीजिए क्योंकि अगर आप एक ओपनर क्रिस लीन या एरन फिंच में से किसी एक को ले सकते हैं, और क्रिस लीन ज़्यादा अच्छा फॉर्म में है एरन फिंच के मुकाबले, और तो क्रिस लीन इंडियन स्पिनर को अच्छा खेल लेते हैं, तो क्रिस लीन को आप लीजिए एरन फिंच को। और एक T20 आई हुआ उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे एरन फिंच। यहाँ से आप लोकेश राहुल को ले सकते हैं, पर आपने पहले ही दो भारतीय ले लिया है, रोहित शर्मा और ये ले लिए हैं, विराट कोहली ले लिए जो अच्छे है। विराट इंडियन बैटिंग टॉप 3 पे ही निर्भर रहती है, अगर कोलैप्स हुआ तो आपके पास दिनेश कार्तिक है तो इसलिए आप इसमें नहीं लीजिए, और चांस है कि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग ऑर्डर ही कोलैप्स होगा तो इसलिए आप डार्सी शॉर्ट को ले सकते हैं। डार्सी शॉर्ट भी अच्छे बल्लेबाज स्पिन को अच्छा खेलते हैं। गैलन मैक्सवेल जो 1 T20 आई हुआ था साउथ अफ्रीका के खिलाफ से बहुत अच्छा खेले थे, मैक्सवेल को ले सकते हैं, मार्कस स्टोइनिस अच्छे फॉर्म में उनको ले सकते हैं, कृणाल पांड्या को अगर बैटिंग कोलैप्स हुआ तो ये एक अच्छे बैट्समैन है जो आपको साथ आपके देखा जाए तो आप 4 बल्लेबाज भारत से लिए हैं जिसमें विराट कोहली,
रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक और कुणाल पांड्या है, और चार बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया से लिए, जिसमें मैक्स बेल, मार्कस ट्वाइनिस और क्रिस लिन और डार्सी शॉट है। मार्कस ट्वाइनिस और मैक्स बेल आपको एक या दो विकेट भी ला सकते हैं। खैर से डार्सी ये एरन फिंच और बेन मैक्रेडोर और के ऊपर ये दोनों अच्छे ऑप्शन हैं और दोनों हालिया फॉर्म बहुत अच्छी है, और मैक्स बेल का इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड भी अच्छा है, पर स्पिन के खिलाफ अच्छा नहीं खेलते, इसलिए उनको कप्तान ना बनाए। यहाँ से आप बॉलर में कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह को, यहाँ से आप एंड्रू टाई की तरफ देख सकते हैं या नेथन कुल्टर नाइल की तरफ देख, यूजी चैनल को ना ले, यूजी चैनल को देख सकते कितने कम आदमी लिए हुए, बी स्टैनली की तरफ देख सकते हैं। मैंने नेथन कुल्टर नाइल को लिया क्योंकि नेथन कुल्टर नाइल बहुत अच्छे फॉर्म में है। आप चाहे तो नेथन कुल्टर नाइल की जगह एंड्रू टाई को भी ले सकते हैं, बजट मेरा कम हो गया है तो फिर नेथन कुल्टर नाइल की आप एंड्रू टाई को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कप्तान का बात करें तो आप यहाँ से कप्तान विराट कोहली को बना सकते हैं, रोहित शर्मा को बना सकते हैं, मार्कस ट्वाइनिस को बना सकते हैं, क्रिस लिन को बना सकते हैं, या फिर गैलन मैक्सवेल को बना सकते हैं। तो मैंने कप्तान विराट कोहली को बनाया, वाइस कप्तान आप क्रिस लिन को बना सकते, रोहित शर्मा को बना सकते, डार्सी शॉट को बना सकते, मार्कस ट्वाइनिस को बना सकते, गैलन मैक्सवेल को। तो मैंने वाइस कप्तान मार्कस ट्वाइनिस को बनाया और ये सेव कर दिया मैंने। ये पहले से ये देख सकते हैं मेरी टीम, आप इससे जा सकते हैं, एक बहुत अच्छी टीम है।